सीतामढ़ी हम लोग आ गए हैं और फिलहाल आपको मूर्ति के दर्शन करवाता हूँ। मूर्ति की हाइट 108 फीट है। अगर आप खड़े भी रहेंगे तो भी आपको एक पोज में आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। जिस तरह से मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड। काफ़ी खूबसूरत जगह भी है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हिंदुस्तान में ये 5वीं नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो यहाँ पर हनुमान जी की है, 108 फीट जिसकी लंबाई है। चलो अब आगे एक और भी दिखाता हूँ आपको जो जो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे, अब अंदर जाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा रहता है पर अच्छा। यहाँ पे श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी की तस्वीर उकेरी गई है। उसके बाद दूसरा सीन यहाँ पर है, यहाँ पे श्री राम हनुमान जी को अपनी अंगूठी दे रहे हैं सीता जी को दिखाने के लिए, जब उनका हरण हुआ था तभी उनको बताने के लिए कि मैं उनका दूध हूँ। और ये तीसरा हिस्सा है जब हनुमान जी लंका पहुँचे थे और उन्होंने अंगूठी उठा के सीता जी को दी थी और जिससे उन्होंने पहचाना था कि हाँ श्री राम जी को मैं भेजा हुआ है। ये हिस्सा मेन प्रांगण है मंदिर का और ये पिलर है, एक कृष्ण जी और यशोदा है। ये और भी कुछ तस्वीरें हैं। और सबसे खूबसूरती बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी पिलर हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ आया हुआ है। और यहाँ पे जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया हुआ था कि वहाँ का सीन, सारी गोपियाँ उनको देख के मोहित हो गई। और ये श्री राम का स्वयंवर है, जब उन्होंने धनुष को तोड़ा था उसके बाद उनका विवाह हुआ, सीता माता से जब विवाह हुआ तभी गए। जब 14 वर्ष के वनवास के लिए श्री राम जा रहे थे तब केवट ने उनको रास्ता पार करवाया था और केवट काफ़ी डर रहा था उनसे कि मतलब आप अगर मेरे नाव को पैर लगा देंगे तो वो कहीं स्त्री ना बन जाए, तो इस वजह से वो डर रहा था। श्री राम ने जब उनको अपने विवाद में समझाया तब उन्हें माने और उन्हें नदी पार करवाई, नहीं तो वे काफ़ी डर रहा था। और यहाँ पे वो हिस्सा है जब श्री राम सीता माता को बताने के लिए कि मतलब हनुमान जी के दूध हैं उनको वो अंगूठी दे रहे थे जिसको वो जाके सीता माता को दिखाते हैं। ये शबरी द्वारा उनको जब सीधे बेर खिलाए जा रहे थे ताकि उनको वो बेर कड़वे ना लगे, इसलिए शबरी पहले ट्राई कर रही थी फिर उनको बता देती। यहाँ पर सीता समाहित स्थल है, सीतामढ़ी समाहित स्थल पे हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे।
हम लोग नीचे थे, बोटिंग का सिर्फ 20 रुपये चार्ज है। भाई से पूछा, भाई ने बता दिए, वो चले गए। मैं थोड़ा लेट जाएगा, हर टाइम मैं गलती कर देता हूँ करने के लिए। और बोर्डिंग का मजा लेंगे, इससे पहले कभी बोर्डिंग किया नहीं है। सॉरी, डिलीट करता हूँ। रास्ते से मैं जा रहा हूँ, मतलब सही में कुछ हटके यूनिक फीलिंग आई यहाँ पर। बोटिंग का नज़ारा मिल रहा है और क्या चाहिए यार। 20 रुपये एंट्री भी मतलब कुछ भी नहीं है। आ गया हूँ। कितना? 20 रुपये एंट्री ना भाई? जी हाँ, 20 रुपये सवारी। बहुत अच्छा। नाम क्या आपका? वासुदेव निषाद। अच्छा, ये भाई की बोट है, ये यहाँ पे बोट चलाते हैं। आधा किलोमीटर तक परिक्रमा का एक और बोट जा रही है यहाँ पर। आज का वीडियो यहीं पर एंड करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।